हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटो महल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, ये है आप सभी लोगों के सामने सुजुकी बगमैन 125cc BS6 वेरिएंट, जो कि फिलहाल अब इंडिया में लॉन्च हो चुका है और जिसकी लॉन्च की कीमत रखी गई वो रखी गई अराउंड 77,900 रुपीज़ में ये आपको गाड़ी मिल जाएगी। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी गाड़ी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको खास मिलेंगी जो कि आपको BS4 वेरिएंट में नहीं मिलती थी। सबसे पहले तो इस शुरुआत करते हैं इसके इंजन के बारे में। सो जैसे कि आपको पता है कि अब BS6 वाला इंजन इसमें आ चुका है, जो कि यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, वो अभी भी 125cc का इंजन है जो कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है अराउंड 8.5 bhp की पावर। और जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 10 न्यूटन मीटर की, यहाँ पे आपको टॉर्क देखने मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके कलर ऑप्शन वेरिएंट के बारे में, तो यहाँ पे अब आपको एक न्यू कलर ऑप्शन देखने मिलेगा जो कि है ये रेड, एक मैट रेड कलर का फिनिशिंग है जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्पेशली आप लोग इसका ओवरऑल डिज़ाइन देखिए तो देखने में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है एज़ कम्पेयर टू इससे पहले प्रीवियस, अगर आप बगमैन को कंपेयर करेंगे तो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी लॉन्च हुई 77,900 एक्स शोरूम की कीमत में, जो कि स्लाइटली 7,000 के आसपास की BS4 वेरिएंट से थोड़ी महंगी है, क्योंकि BS4 वेरिएंट इससे थोड़ी सस्ती आती थी। हालांकि यहाँ पे क्योंकि इंजन चेंज हुआ है BS4 टू BS6, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुई है, जो कि इंक्रीज हुआ है अराउंड 7,000 रुपीज़ है बस। बट इस 7,000 रुपीज़ में आपको यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है, और साथ साथ आपको एक न्यू यहाँ पे स्टार्ट एंड किल स्विच मिलता है जो कि पहले की बगमैन BS4 वेरिएंट में आपको नहीं मिलता था। सो अब आपको BS6 वेरिएंट में आपको ऑन एंड ऑफ का किल स्विच भी मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप इनके सडनली आप गाड़ी बंद करना चाहते हैं या ट्रैफिक में गाड़ी बंद करना चाहते हैं, तो आप लोग डायरेक्टली किल स्विच का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी को चालू या बंद यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको इंजन के बारे में बताया कि यहाँ पे अभी भी 125cc का इंजन है जो कि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है अराउंड 8.5 bhp एट 6750 rpm। और यहाँ पे जो मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 10 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 5500 rpm, जो कि लगभग थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू BS4 वेरिएंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंजन अब रिफाइंड हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा पावर आपको यहाँ पे डाउन देखने मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके डायरेक्ट कंपटीटर के बारे में, तो ये जो बगमैन सीरीज है डायरेक्टली कंपीट करती है आपकी TVS Ntorq 125 से, क्योंकि अगर आप लुक देखेंगे, परफॉर्मेंस देखें, तो लगभग आपको इसी के बराबर ही आपको इसमें भी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने मिलेगा। सो अब बातें इसके विजुअल चेंजेस के ऊपर कि यहाँ पे विजुअली इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुए। तो यहाँ पे अब आपको फ्रंट में न्यू क्रोम एसेंट मिलने वाले, जो कि फ्रंट एंड रियर दोनों पैनल में आपको देखने मिल रहा है। किस तरह से यहाँ पे जो क्रोम फिनिशिंग दी है, जो कि एक किसी भी स्कूटर को एक प्रीमियम लुक या फिनिशिंग देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि अब आपको यहाँ पे मिलेगा। और साथ साथ यहाँ पे अब आपको बॉडी माउंटेड विंडस्क्रीन मिलेगा और अपवर्ड मफलर डिज़ाइन मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात, जो कि आपको BS4 वेरिएंट में भी देखने मिलता था। जो जैसे मैंने आप बताया कि ये अब एक न्यू कलर ऑप्शन मिलती है जो कि मेटालिक मैट रेड कलर, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और आप सभी लोग को ये कलर कैसा लगा प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा इस गाड़ी में कुछ भी चेंजेस नहीं किया, अभी भी ये सेम टू सेम वही डिज़ाइन में आती है, जो उसके एलिमेंट्स हैं वो भी वही यहाँ सब कुछ यहाँ पे सेम है, उसमें कुछ भी यहाँ पे चेंजेस वगैरह नहीं किया है। तो आप सभी लोग को कैसा लगा ये सुजुकी बगमैन 2020 प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये गाड़ी एक क्रॉस मैक्सी स्कूटर डिज़ाइन है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है, क्योंकि जो उसका फ्रंट पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और अगर आपकी हाइट लंबी है तो आप लोग अपना पैर आराम से इसमें रख सकते हैं, मतलब कंफर्टेबली इसमें आप लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि उसका हैंडल भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो आपको चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और ये सुजुकी बगमैन भी पसंद आएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आप सभी का आज तक कैसा रिव्यू रहा है सुजुकी बगमैन, अगर आप उसके ओनर हैं, अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।